तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज पिवट टेबल के बारे में कि पिवट टेबल का क्या इस्तेमाल है और किस तरह से इस यूज करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मली पिवट टेबल तो हम बनाते हैं क्या, कि जो हमारा डेटा होता है उस पर नॉर्मल हम पिवट बनाते हैं, लेकिन पिवट में वीवीए का क्या रोल है इसके बारे में चलिए हम आपके साथ चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको वीवीए के जरिए रिपोर्ट्स और पिवट बहुत सारी चीजें से हमें बनाने पड़ते हैं, तो उस केस में हम पिवट वीवीए पिवट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने देख लीजिए, यहाँ पे डेटा है राइट, और मुझे यहाँ पे क्या है कि इस डेटा पे कुछ रिपोर्ट्स हमें बनाने होते हैं राइट। तो हमें वो रिपोर्ट पिवट से ही बनाने होते हैं, लेकिन रिपोर्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो उसको हम वीवीए का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें रिपोर्ट को ऑटोमेट कर दे। लेकिन नॉर्मली पिवट तो हम यूज नॉर्मल मैन्युअली करते हैं, लेकिन वीवीए के साथ यूज होता है कब, जब आपके पास कई सारे पिवट्स लगाने हो और कई सारे पिवट्स का अलग अलग आपका रूल एंड रेगुलेशन हो, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं वीवीए। ठीक है, तो वीवीए में पिवट का दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है पिवट क्रिएट करना राइट, और दूसरा पार्ट होता है उस क्रिएट गई की गई पिवट के ऊपर अपने फील्ड्स को अरेंज करना। और इसको आप इजीली देख सकते हैं किसमें, रिकॉर्डिंग में। तो अगर हम इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल एंड ओके कर दिया, अब इसका कोड अलग बनेगा, आप इसकी कोड को इसमें डेवलपर में जाके इसमें विजुअलाइजेशन में देखिए राइट। अब इस कोड को आपको एक्सप्लेन करता हूं। सी दैट एड जो है यहाँ पे, ये तो हमारा ए वन स्टार्टिंग हो गया, इसको रखना जरूरी नहीं है। अब सी डॉट एड कब क्यों हुआ कि यहाँ पे सीट जो है, अब देखिए अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप पिवट टेबल वीवीए के थ्रू बनाते हैं तो सीट ऐड करता है ना, तो मैं इस कोड को भी हटा देता हूँ, इसकी जरूरत हमें नहीं है, ये सीट नया ऐड किया था। अब देखिए एक्टिव वर्कबुक डॉट पिवट कैच राइट, पिवट कैच डॉट क्रिएट, ये आपका मेन कोड हो गया। मेन कोड क्या हुआ, एक्टिव वर्कबुक डॉट पिवट कैच। अब एक्टिव वर्कबुक लगाना जरूरी नहीं है, आप नॉर्मली डायरेक्ट भी पिवट कैच दे सकते हो, ठीक है ना। तो एक्टिव वर्कबुक डॉट पिवट कैच डॉट क्रिएट, तो पिवट टेबल पार्ट है किसका, एक्टिव वर्कबुक। ध्यान रखिएगा पिवट टेबल किसी रेंज पे क्रिएट नहीं होता है, वो क्रिएट होता है एक वर्कशीट पे। समझ में आ गया, ओके। अब इसको अगर आप लिखोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सीट वन कर देता हूँ डॉट पिवट कैच, क्यों नहीं आ रहा पता नहीं इसमें, हाँ पिवट कैच डॉट क्रिएट, एक मिनट, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आ तो जाता था। तो दो दो एप्लीकेशन जब से डाला है ना सर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा नहीं आता है, ये इसका सजेशन नहीं है। ओके, तो पिवट यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डॉट पिवट कैच डॉट क्रिएट, और क्रिएट में आप पिवट टेबल क्रिएट के लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले सोर्स टाइप, कि आपका सोर्स का टाइप क्या, क्योंकि पिवट टेबल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से भी लगाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ इंसर्ट पे गए और पिवट टेबल पे, अब यहाँ पे यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स कर लेते हैं और हम करते हैं किससे, एमएस एक्सेस डेटाबेस से पिवट को। सेल्स डेटा, अच्छा और टेबल नहीं है इसमें, सिर्फ ये है। और किसी एक्सेस फाइल में से ढेर सारी टेबल रहेंगे तो कौन सा लेगा ये,
नहीं तो वो आपको चूज करने के लिए बोलेगा, देखिए चूज करने के लिए बोला ना यहाँ पे। ओके, क्वेरी पे भी हम पायलट बना सकते हैं। हाँ एंड ओके, तो अब देखिए इसका कोड क्या जनरेट हुआ। देखिए तो यहाँ पे मेरा डेटा टाइप है एक्सेल डेटा टाइप, सोर्स क्या है हमारा, तो सोर्स का पाथ दिया हुआ, तो पाथ इसने अपने लैंग्वेज दिया, लेकिन आप अपने हिसाब से भी पाथ दे सकते। अब यहाँ पे वर्जन 6 है, वर्जन का ध्यान रखिए, आप वर्जन देना जरूरी नहीं है, आप इसको नहीं भी दे सकते हो, लेकिन वर्जन 6 का मतलब हुआ 16। अब यही पे अब मान लीजिए आप आपकी फाइल 16 13 19 पे घूमते रहता है, तो आप वर्जन को हटा दीजिएगा, वरना क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरे सिस्टम पे मेरा मेरा मैक्रो रन हो जाता है लेकिन दूसरे सिस्टम पे रन नहीं होता है, तो वहां पे प्रॉब्लम होता है वर्जन का, समझ गए ना। तो वर्जन का ख्याल ख्याल रखिएगा। तो ए ब्रैकेट में इसने दे दिया इसको अपना पूरा का पूरा ए पाथ दे दिया, राइट। अब बात आती है क्रिएट पिवट टेबल, इसने पिवट टेबल क्रिएट किया, तो पिवट क्रिएट करने के बाद हमें देना होता है डेस्टिनेशन। पाथ में सर, पाथ में जैसे यहाँ पे शीट और उसके आगे आप रेंज अपने लिखा हुआ है। अपने हिसाब से कोई भी रेंज दे सकते हो, सिलेक्शन बहुत सारी चीजें इसमें दे सकते हो, रेंज वगैरह दे सकते हो। मुझे फाइल का पाथ तो नहीं देना है, सी नहीं ड्राइव नहीं नहीं और फोल्डर? फाइल का पाथ नहीं देना आपको, ओके ठीक है, फाइल का पाथ नहीं देना है। अब यहाँ यहाँ पे पिवट टेबल डेस्टिनेशन, और यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन बताना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर सीट, कि किस सीट पे आपको पिवट लगाने हो। तो अगर उस पर्टिकुलर सीट आपके पास नहीं है तो बिफोर द पिवट आपको उस सीट को ऐड करना होगा, जैसे रिकॉर्डिंग मैक्रो ने सीट डॉट एड किया हुआ है, समझ गए। तो जो सीट ऐड होगा उस सीट को रिनेम करके और नाम फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार सीट फोर होगा इसकी गारंटी नहीं है। उसके बाद यहां पे बारी आती है आपका पिवट टेबल नेम। हाँ, अब यहां पे भी ध्यान रखिएगा कि पिवट टेबल नेम जो भी आपका हर बार चेंज होता है, पिवट टेबल 1 2 3, तो पिवट टेबल नेम भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और डिफॉल्ट वर्जन 6 जी को ले रहा है वो 6 है आपका, इसको भी आप हटा सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे अब बात करते हैं, अभी जैसे हमने आप देखिए ये तो हमारा हो गया एक्सेल डेटा, अब एक्सेस को हम इंपोर्ट करते हैं एज ए पिवट, तो इस तरह से होता है कि एक्टिव वर्कबुक डॉट कनेक्शन डॉट एड कौन सा एस डेटा, और उसके बाद एरे में देना होता है पूरा पाथ कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ये आपका ओ एल बी डेटा है और इसका पाथ पूरा दिख रहा है आपको ना सर, ये कनेक्शन हो गया है डिफॉल्ट एक्सेल की कनेक्शन हो गई। बहुत बड़ा है। हाँ, डेनी राइट डेटा वगैरह ये पूरा पैटर्न है, रिकॉर्डिंग करते समय ऑटोमेटिक आ जाता है, या फिर मैंने जो कनेक्शन बताया था उस कनेक्शन को फॉलो कीजिए तो सिंपल रहेगा। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, मैं म्यूट सर से म्यूटेड था। मैं बोल रहा हूँ सर कि आप ये जो कोड दिख रहा है ना सर, ये जस्ट कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, ये पिवट नहीं लगा रहा है, ये जस्ट कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप अपने डेटा मेनू मार के कनेक्शन, इसमें कनेक्शन में जाके देखिए कि अगर ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ है तो आपको एक कोड देने की जरूरत नहीं है।
इसको आप डिलीट कर सकते हो। अब मेरा मना हुआ है तो मैंने इसको चलिए डिलीट कर दिया। अब पिवट टेबल कैसे लगेगा, देखिए सोर्स यहाँ पे एक्सेल एक्सटर्नल, मैं ही समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे क्या है, सोर्स टाइप क्या है आपका, एक्सेल डेटाबेस है, और यहाँ पे क्या है, एक्सेल एक्सटर्नल है, और सोर्स डेटा क्या है, एक्टिव वर्कबुक डॉट कनेक्शन एस डेटा। तो ये कहां से कॉल कर रहा है, ये आपका डेटा मेनू मार के कनेक्शन से कॉल कर रहा है। समझ गए, तो कनेक्शन से कॉल कर रहा है यहाँ पे, और वर्जन 6 बाकी जो सेम चीज जो बाकियों में सेम चीज है। तो इसने क्या किया, जस्ट पिवट को क्रिएट किया है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, पिवट क्रिएट किया, पिवट मतलब पिवट स्टार्ट लगाया है। अब मैं अगर मान लीजिए कि इस पिवट में कुछ ऐड करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे जोन रख दिया ना रो लेवल में, तो इसका भी देखिए कोड, अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए पिवट टेबल 2 है जो कनेक्शन वाली है, और यहाँ पे पिवट टेबल 1 है। नेम जोड़ी क्यों, मैं आपको बताता हूं, आप देखिए इसको, देखिए ये क्या है कि विथ एक्टिव सीट पिवट टेबल, पिवट टेबल 1, यहाँ पे 2 पिवट है, दोनों पिवट को इसको 1 कर रहा है, इसको 2 कर रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ अभी 2 है। तो हमें जो जोन ऐड करना है किसमें ऐड करना है, पिवट टेबल 1 में। 1 तो यहाँ पे पिवट टेबल 1 हुआ डॉट पिवट फील्ड क्या नाम है, जोन, और जोन को ऐड कहाँ करना है, तो उसकी ओरिएंटेशन क्या है, एक्सेल रो फील्ड, और पोजीशन 1 मतलब कि पहले नंबर पे। मतलब पोजीशन क्या होता है, तो क्योंकि आप पहले मान लीजिए कि मैं जोन के नीचे मैं क्वार्टर डाल देता हूं, डाल दिया सर। अब यहां पे देखिए दूसरा कोड बना, सेम कोड बना कि सीट पिवट टेबल 1 डॉट पिवट फील्ड क्या नाम है पिवट फील्ड का, क्यू, कहां और ऐड हुआ, एक्सेल रो फील्ड में, ए भी रो फील्ड में है और ऊपर वाला भी आपका रो फील्ड में, लेकिन ऊपर वाला का पोजीशन पहले नंबर पे है, इसकी पोजीशन आपका दूसरे नंबर। समझ गए, तो दूसरे नंबर नीचे आएगा। तो पोजीशन अगर मान लीजिए डालना है रो फील्ड में, कई सारे डाल सकते हो, बस उसकी पोजीशन चेंज करते जाइएगा। अगर मान लीजिए मैं भी इसको 1 कर देता तो क्या होता, इसमें एरर नहीं आता सर, इसका पोजीशन चेंज हो जाता, ये फिर 2 में चला जाता। समझ गए, तो आप पोजीशन इजीली किसी को चेंज कर सकते हो। उसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने सेल्स कैसे इसको कैटेगरी को उठाया और मैंने रख दिया कॉलन में, तो यहां पे आप देखिए, यहां पे दिख रहा है आपको कि कैटेगरी ओरिएंटेशन एक्सेल कॉलम फील्ड। तो रो में डालेंगे तो ओरिएंटेशन आपको डालना होगा एक्सेल रो फील्ड, अगर आप कॉलन में डालते हैं तो देना पड़ेगा कॉलन फील्ड, और सेम पोजीशन उसी हिसाब से होता है, जैसे रो की पोजीशन होती है वैसे कॉलम की पोजीशन होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी उठाता हूं और क्वांटिटी को रख देता हूं वैल्यू में। तो क्वांटिटी को जब हमने वैल्यू में रखा तो क्या है, यहाँ पे दिया हुआ सम ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, जब आप किसी को देखते हैं ना सर, जब आप वैल्यू में रखते हैं तो थोड़ा सा चेंज होता है, रो एंड कॉलम में सेम है, वैल्यू में थोड़ा चेंज होता है कि पिवट टेबल एड डेटा फील्ड। यहाँ पे देखिए क्या है, ऊपर क्या है कि पिवट फील्ड है, और लेकिन जब आप चेंज करते हैं इसमें सम में रखते हैं, सम क्वांट वगैरह के वैल्यू में रखते हैं, तो वो हो जाता है एड डेटा फील्ड, और इसमें एक्टिव सीट पिवट टेबल 1 और पिवट फील्ड क्या है आपका क्वांट, मतलब कि आपको ये जो कोड है इस कोड में हमें एक कोड आपको ऐड करना होता है एड डेटा फील्ड। ठीक है ना, और एड डेटा फील्ड का पार्ट होता है आपका एक्टिव सीट पिवट टेबल 1 और पिवट फील्ड क्वांटिटी, और क्वांटिटी का हेडिंग क्या आना चाहिए, सम ऑफ क्वांटिटी। इसके जगह पे आप लिख सकते हो कि आप टोटल लिख दीजिए तो टोटल आएगा, मतलब कि यहाँ जो लिखा हुआ है ना सम ऑफ क्वांटिटी इसकी बात हो रही है, या फिर यहाँ लिखा हुआ है इसकी बात हो रही है। उसके बाद करना क्या है, एक्सेल सम,
एक्सेल सम, एक्सेल काउंट, एक्सेल वगैरह जो भी करना है आप यहां इसको कर सकते हो। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं प्रोडक्ट को फिल्टर में रखता हूं तो ए आपका फिल्टर का क्या कोड ए बनता है। देखिए फिल्टर का कोड बनता है एक्टिव सीट, पिवट टेबल, फिल्टर पिवट फिल्टर प्रोडक्ट, और इसकी ओरिएंटेशन हो जाता है पेज फील्ड। तो समझ जाइए ओरिएंटेशन किसका क्या है, इसका है एक्सेल पेज फील्ड, एक्सेल कॉलम, एक्सेल रो फील्ड। ठीक है, एक्सेल रो फील्ड, एक्सेल कॉलम फील्ड और एक्सेल पेज फील्ड। और इसके लिए फिर आपको इसका क्या होता है वैल्यूज का, वैल्यूज का होता है आपका सम ऑफ एड एड डेटा फील्ड। ठीक है ना। अब ए तो हम ऐड करने की बात हो गई, अगर मान लीजिए किसी फील्ड को मुझे रिमूव करना है तो जैसे मुझे सम ऑफ क्वांटिटी को हटा देना है, तो सम ऑफ क्वांटिटी को रिमूव किया तो यहाँ देखिए क्या है, फिवर यहाँ पे फिल्टर पिवट फिल्टर क्वांटिटी सम ऑफ क्वांटिटी या टोटल जो भी आप लिख रखे हो वो उसकी ओरिएंटेशन एक्सेल हिडन, मतलब कि आपको हटाने के लिए भी सेम कोड लिखना पड़ेगा, बस एक्सेल पेज फील्ड जो लिखते हैं उसके जगह पे हमें क्या कर देना है एक्सेल हिडन कर देना है, तो वो आपकी रिमूव हो जाएगी। समझ में आया सर। अगर मैं फिर वापस में अमाउंट को डालता हूं और मैं इसका एवरेज करता हूं तो यहां पे देखिए क्या है, इसे दो बार किया है, एक बार चेंज के लिए किया है। अब यहां पे देखिए क्या है कि फिल्टर पहले तो उसने सम ऑफ फिल्टर रख दिया था, तो सम ऑफ फिल्टर के जगह पे यहीं पे आप जो एक्सेल सम है इसी पे डायरेक्ट आप एक्सेल एवरेज कर दें। इसमें दो चीज आप सीख रहे हैं, इसको हम इसको अगर हम एवरेज कर दें तो क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा, लेकिन नहीं अगर किसी का सम हो गया उसको एवरेज चेंज करना है तो ध्यान रखिएगा हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा कैप्शन। कैप्शन मतलब कि जो सम ऑफ अमाउंट आ रहा है ना इसको चेंज करके एवरेज ऑफ अमाउंट करने के लिए। समझ गए सर। और फिर इसका फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। फंक्शन क्या होगा एक्सेल एवरेज होगा, क्योंकि अगर आप दोबारा यही कोड लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, मान लो कि आपका सम था उसके बाद आपको एक पिवट पे सम देना था, दूसरे पिवट पे आपको एवरेज देना था दूसरे माने इसके लिए, तो यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके कैप्शन आपका कैप्शन में जाके चेंज कीजिए और उसका फंक्शन आप चेंज कर दीजिए तो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है सर। ए हो गए। दूसरी बात हम करते हैं फिल्टर। अब फिल्टर इस्तेमाल करें, मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट है मैं प्रोडक्ट में जाके सीआरटी कर देता हूं तो इसका कोड क्या होगा, यहां देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो लगी हुई फिल्टर को क्लियर करेगा, ये करना जरूरी नहीं है। अब एक नया कोड आप यहाँ पे देख लीजिए कि पिवट टेबल का जो पेज फिल्टर है उसके जितने भी फिल्टर लगे हैं उसको क्लियर करने के लिए क्लियर ऑल फिल्टर देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर मुझे कोई पर्टिकुलर लगाना है तो यहाँ पे होगा पिवट टेबल प्रोडक्ट करेंट पेज सीआरटी। लेकिन मुझे एक से ज्यादा फिल्टर जब लगाना होगा तो यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल करके देखिए एक से ज्यादा लगाना होगा तो उस केस में यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब यहां पे ये देखिए क्या है, कोड जो करता है गलत करता है। ठीक है, लेकिन हमें कोडिंग करते समय इस जब हम खुद कोड करेंगे तो जरूरी होता है। देखिए यहां पे क्या हुआ, सीआरटी था तो इसने सीआरटी से क्या किया ऑल किया। ठीक है, और उसके बाद ये जो कोड दिख रहा है वो एक कोड इसने फालतू में लिखा है, एक कोड की जरूरत नहीं है। मतलब कि जो पिवट टेबल जो हमें मान लीजिए आइटम जो देना है उसको आपको सिर्फ उसको ट्रू 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 करना है, तो यहाँ पे मल्टीपल पेज आइटम इक्वल टू ट्रू हुआ और यहाँ पे दिखा रहा है आपको सर इसने उल्टा कर दिया है। उसने क्या किया कि पहले सिलेक्ट ऑल किया और फिर जो जो पेज नहीं चाहिए उसको यहाँ से हटा दिया।
बट आप कोड जब लिखेंगे तो सिलेक्ट ऑल कोड नहीं रखेंगे, ठीक है ना। आप ये कर सकते हैं कि क्लियर ऑल फिल्टर लगाएं, उसके बाद मल्टी पेज सिलेक्ट करें। ये उल्टा कोड लिखा यहां पे, देखें मल्टी पेज सिलेक्ट करें यहां पे। पहले आप फिल्टर को ऑल क्लियर करें और मल्टी पेज सिलेक्ट करें, ट्रू करें, और उसके बाद जिस जिसको लगाना है उसके जगह पे आप जस्ट ट्रू करते चले जाए। तो हम यहाँ पे जो उसने उल्टा किया है, इनेबल मल्टी पेज क्या करेगा ये, आप यहाँ पे नीचे क्लिक करते हैं ना, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, इसका है सर। अच्छा अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो जो चाहिए उसका जस्ट वो ट्रू करते जाइए, फॉल्स वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है सर। बोला मान लीजिएगा आपके पिवट में अगर आपके पिवट में अगर 400 है तो 400 ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, तो दिक्कत हो जाएगी ना सर। तो आपको दो चाहिए, उसी को ट्रू कीजिए, बाकी को फॉल्स कीजिए। ए मैं एक बार शुरुआत में जब मैं यूज कर रहा था ना इसको सर, तो मेरे पास 350 फिल्टर थे, अब 350 ट्रू करना था तो मैं काफी कंफ्यूज था क्या कोड होगा क्या कोड होगा। बाद में मैंने ऐसी तुक्का लगा दिया कि मैंने फॉल्स वाला हटा के ट्रू वाला डाल दिया, लग गया मैं बोला खामखा में परेशान हो रहा था उस समय से, ठीक है। ये आप फिल्टर के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं, ये तो फिल्टर आपका पेज फिल्टर हो गया, लेकिन मान लीजिए मुझे अगर रो फिल्टर लगाना हो तो मतलब कि मुझे इसमें से मान लीजिए देख कर्सर रखने पे आता है, मान लीजिए मुझे क्वार्टर वन करना है सिर्फ, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ भी सेम चीज है कि एक्टिव शीट पिवट टेबल वन पेज फिल्ड क्यू डॉट पिवट आइटम, दिख रहा है आपको, क्वार्टर टू इज विजुअल फॉल्स। तो नहीं 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 हाँ दिख रहा सेम चीज हो गया ना सर, ये जो ऊपर वाला चीज सेम आ गया, तो मुझे क्वार्टर वन को शो करना है ना यहाँ पे सिर्फ, तो क्वार्टर वन और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। सिर्फ क्वार्टर वन ही दिखेगा। तो इसी तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। अब मल्टीपल पिवट्स जब लगाएंगे तो इसी कोड को हमें रिपीट करना होगा। आप एक पिवट बना लें फिर उसके दूसरा तीसरा चौथा, इसी तरह से इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कई सारे सर बहुत सारा पायलट बनाने के लिए ही इसका यूज हो सकता है, और कोई काम नहीं है इसका सर? नहीं सर। अब मान लीजिए ना कि एक पिवट आपको बनाना है तो एक पिवट तो आप मैनुअली बना लोगे ना। तो मैनुअली बना लो उसके कोड क्या करना है आपको। लेकिन हाँ जैसे मान लीजिए कि कोई रिपोर्ट ऑटोमेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए रिपोर्ट ऑटोमेट कर रहे हो और उस रिपोर्ट में आपको पिवट भी लगाना है तो इसका इस्तेमाल करोगे आप। जैसे समझ गए ना, तो कायगी से वो अब ऑटोमेट अगर मान लीजिए मतलब एक ऑटोमेशन से वो एक बार डंप से क्या कहते हैं डाटा निकले, डाटा की समरी बन जाए, तो इसके लिए पूरा कोड लिखना पड़ेगा, तो पिवट बनाना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए पिवट का कोड आपको लिखना पड़ेगा। या फिर कभी कभी ऑटोमेशन भी करना होता है, जैसे कि मान लीजिए ना ये आपका ए है, ये मैं सीट को डिलीट कर देता हूँ, मान लीजिए समझ, मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं एक बार लिख के बताता हूँ। जैसे पिवट है इसमें, ठीक है ना, तो इस पिवट में मेरे पास जो है प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, और इसमें मैं एक बार इसको डेटा वैलिडेशन करता हूँ। हाँ, तो इसमें हमारे पास इतने कैटेगरी है, ये है कैटेगरी, मुझे इतने बनाने हैं, क्या बनाने हैं, पिवट बनाने हैं। तो आपके पास डेटा आया और मेरा अभी एक प्रोजेक्ट चली से इस पे इसी में करता हूं मैं, कि मुझे काम क्या है कि जितना मेरे पास कैटेगरी रहेगा उतने मुझे पिवट्स बनाने हैं और उस पिवट्स को सेव करने हैं मेल करने के, समझ गए। अब इसमें बात पहले दो प्रॉब्लम आती, पहली प्रॉब्लम ये आती है कि नंबर ऑफ लिस्ट निकले है कैसे, राइट। तो आप
जैसे आपने रिमूव डुप्लीकेट किया और रिमूव डुप्लीकेट आप कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए? रिमूव डुप्लीकेट आप कर सकते हो. अब बात आती है कि रिमूव डुप्लीकेट के लिए फिर आपको एक यूज करना पड़ेगा, मैनुअल यूज होगा. दूसरा, ऑटोमेशन में आप क्या करेंगे सर, वीवीए कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे? कॉलम को कॉपी करके इधर रखेंगे और रिमूव का कोड देखेंगे, रिमूव डुप्लीकेट का. आप भूल गए ना सर, आप पीछे के चीज बहुत भूलते जाते हैं सर. आप याद है मैंने आपको बताया था यूनिक लिस्ट निकालने के लिए, जिसमें हमने न्यू कलेक्शन अप्लाई किया था. हाँ, कुछ न्यू कलेक्शन का फॉर्मूला लिस्ट 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 बॉक्स पढ़ाया था उस समय था सर. हाँ, तो अप्लाई करेंगे ना. चलिए तो हम करते हैं, हाँ. एक नया मॉड्यूल देते हैं इसमें. यहाँ पे हम पिवट देते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये हमारा डेटा रहेगा, ठीक है? तो हमें कौन सा कॉलम चलना है? एज कैटेगरी हमारा एज कॉलम में है ना. हाँ. तो हमें एक लूप लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा डिम सिटी एज ए न्यू कलेक्शन, ठीक है? और यहां पे हम देंगे लूप देंगे कि फोर आई इक्वल टू चले टू से कौन सा एच कॉलम रेंज एच 65,000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट रो, ठीक है? और यहाँ पे आप सीट नेम देना चाहो तो सीट नेम भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन रहने दीजिए, मैं यहाँ पे सीट ये आपका वन है ना, सीट्स सीट वन डॉट सेलेक्ट, मैं डायरेक्ट इसी सीट पे आ गया, ठीक है? और फिर नेक्स्ट आई. अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सिटी डॉट एड, राइट? एड में हम आइटम कौन सा हमारा है, आइटम है हमारा रेंज एच के साथ कंबाइन हो आई डॉट वैल्यू. अब इसमें हमें देना पड़ता है एक और एस टी एस चेंज सी एस टी आर, मतलब मुझे इसको एक एक फॉर्मेट में देना पड़ेगा. तो चेंज का कन्वर्जेंस का फॉर्मेट लगाना पड़ेगा. तो ए में भी सेम हम यही चीज लिखेंगे जो हमने यहाँ इसको लिखे हुए हैं, ये वैल्यू ऐड करेगा. अब ऐड कॉमा देना होगा, माफ कीजिएगा. हाँ, अब इसमें क्या है कि ये जो सिटी जो है, मतलब कि जो न्यू कलेक्शन है, वो एक जब डुप्लीकेट वैल्यू आएगा तो एरर देगा सर. तो यहाँ पे ऑन मीटर कर देंगे, एरर रिज्यूम नेक्स्ट. तो ये हो गया हमारा कि इसके अंदर जो भी सिटी पे वैल्यू आएगी वो हो जाएगी. सॉरी, अब नीचे हमें दूसरा लूप लगाना है कि फोर एच, फोर एच आइटम इन सिटी और फिर नेक्स्ट आइटम, समझ गए? अब इसके अंदर हमारा पिवट का लूप चलेगा. तो हम यहां पे इसी से उठा लेते हैं.
तो इसके लिए हमें एक सीट ऐड करना पड़ेगा ना सर। तो यहां पे हम लिखते हैं एक्टिव सॉरी शीट्स डॉट ऐड और ऐड विथ नेम कर देते हैं, विथ नेम किसके साथ, तो हमने दे दिया आइटम, समझ गए, नेम के स्पेलिंग मिस्टेक, समझाया सर। तो सीट ऐड होगी उसका नाम वही होगा जिस पे हमारा लग रहा है। उसके बाद एक्टिव वर्क एक्टिव एक्टिव वर्कबुक पिवट कैच क्रिएट और यहां आपका साथ आ रहा है सोर्स टाइप एक्सेल सोर्स डेटा, ये दिख रहा है आपको यहां पे। तो यहां हमें देना होगा अपना एरिया सर, यहाँ पे फिक्स रेंज है तो फिक्स रेंज हटा देता हूँ ना मैं यहाँ पे, देखिए ना सीट्स सर यहाँ पे रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन हो गया ना सर। अब यहां देना पड़ेगा सीट का नाम हमें, सीट सीट्स शीट वन, समझ गए। इमरजेंसी क्रिएट पिवट टेबल, प्रिय टेबल का नाम यहां जो नाम है ये नाम भी हम चेंज कर देते हैं सर, ये नाम हो जाएगा आइटम, जिस कैटेगरी को हम कर रहे हैं वो कैटेगरी का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पिवट टेबल क्रिएट करेगा। अब पिवट टेबल क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें रिपोर्ट बनानी है ना सर। तो पिवट टेबल हमारा क्रिएट हो गया और हमें रो रो फील्ड में रखना है, मान लीजिए हमें क्वांटिटी रखना है रो फील्ड में, हमें पिवट टेबल में यहां हम दे देते हैं आइटम, आइटम ठीक है, और जोन को रो फील्ड में रखना है, पोजीशन वन सही है, और फिर हमें कॉपी, इसके बाद हम यहाँ कैटेगरी को हटा के क्यू कर देते हैं, क्यू को रखना है एक्सेल कॉलम में पोजीशन वन सही। उसके बाद मुझे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो हमारे पास ये रहा क्वांटिटी का टोटल, सम ऑफ क्वांटिटी सम ऑफ क्वांटिटी ठीक है। और फिर हमें फिल्टर में कैटेगरी देना है, फिल्टर में रखना पड़ेगा ना पहले तो, हमने यहाँ प्रोडक्ट को रख रखा है ना, और प्रोडक्ट की जगह पे हो जाएगा हमारा कैटेगरी, कैटेगरी है ना, हाँ कैटेगरी। मेरा कोई क्लोज नहीं किया यहाँ पे, क्लोज, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होगा मुझे फिल्टर करना है, तो ये हम ये ले लेते हैं, और यहां जहां पे पिवट है प्रोडक्ट है वहां पे हमारा क्या हो जाएगा कैटेगरी,
और हमें कौन सा फिल्टर रखना है, तो हमें फिल्टर रखना है आइटम। ठीक है, तो ये हमारा बन गया फिल्टर। अब मुझे इसको अलग फाइल में निकालना है, इसको मूव करना है। तो हम यहां देते हैं सीट्स, और सीट में हम बोलते हैं आइटम डॉट मूव, और यहां पे एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, और यहां पे हमें लोकेशन देना है कि भाई सेव कहां करना है। मान लीजिए डी ड्राइव में मैं 2019 के अंदर का बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे नया फोल्डर पिवट बना देता हूँ, और फोल्डर बनाने का भी कोड आप दे सकते हैं क्या, वो तो पता ही आपको रजनीकांत जी, पता है ना? हेलो, आइटम रजनीकांत जी सुन रहे हैं मुझे? हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। मतलब फोल्डर बनाने का कोड पता है ना आपको? मूव एक्टिव डॉट सेव, हाँ, एम के डायरेक्टरी हाँ, डॉट क्लोज, और यहाँ पे ट्रू। एक कोड आपका हो गया। तो एक बार कोड को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे दिया कि भाई ये चले आइटम में चले, ठीक है ना? आइटम चले हमारा, और इसका यूनिक वैल्यू निकाल ले, फिर फोर ईच का लूप लगाया आइटम इन द सिटी, और हमने यहाँ पे ऐड करते चले गया। तो चलिए इस कोड को हम एक बार रन करते हैं, रन करके देखते हैं कि आखिर क्या रिजल्ट निकल रहा है। चलिए इसने पिवट नहीं लगाया। इसने पिवट नहीं लगाया, मतलब कि हमारा पिवट टेबल में एरर है। ओके, अब यहाँ पे हमने ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट लगा दिया है, इस कारण से पता भी नहीं चल रहा है कि पिवट टेबल में एरर क्या चीज का है। सीट वन रेंट रीजन वन डॉट करेंट रीजन डॉट सिलेक्शन करेंट रीजन डॉट, यहाँ पे हम एड्रेस कर देते हैं। नहीं लगा, पिवट लगा ही नहीं रहा है, तो रुक जाइए, पिवट नहीं लगा रहा है। तो अब पहले हम ये कोड रन करने से पहले इस पिवट के कोड को चेक करते हैं। वो सबसे पहली पिवट मतलब कि इसी इसी लाइन में एरर है, बराबर इसी लाइन में एरर होता है, ठीक है सर? तो मैं इसको अलग सब CH के नाम से लगाता हूँ। ओ, यहाँ प्रॉब्लम है, दिख रहा है आपको सर कि हमेशा सीट फोर नहीं है ना इसको मिल रहा है। तो यहाँ तो यहाँ पे देना पड़ेगा सीट्स, और यहाँ देते हैं सीट्स में आइटम और डॉट रेंज, और यहाँ होता है A1 तरीका।
शीट्स आइटम डॉट रेंज A1। ये क्या करेगा सर? डेस्टिनेशन है ना, पिवट कहाँ लगना है, तो हमने सीट ऐड किया, उसका नाम ना आइटम दे रखा है ना। ओके 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 ठीक 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 तो डेस्टिनेशन है इसका कि पिवट लगना कहाँ। तो एक बार मैं इसको सक्सेस कर लेता हूँ। आइटम की जगह पे यहाँ पे मान लीजिए ना पी दे देता हूँ, तो यहाँ पे भी पी हो जाएगा। यही पे एरर है। ये एड्रेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है सर। अच्छा ये आइटम भी तो नहीं है कुछ, है पिवट टेबल में, इसका नाम हम पी कर देते ना इन्वर्टर कमा में, ये भी दिक्कत हो सकता है। अच्छा मैं इसका एड्रेस देखना चाहता हूँ, इसका एड्रेस क्या हो रहा है। MSG box यही दिक्कत है सर, यही पे दिक्कत है सर। स्केबल आउट ऑफ रेंज, क्या दिक्कत दे रहा है। इनवैलिड प्रोसीजर कॉलिंग, पी के बाद आपने जो वो लगाया है सर वो सही है क्या? एक के बाद A1 है, पी के बाद, पी के बाद बीच में पी और ए के बीच में सर हाइफन लगा हुआ है। अरे एक्सक्लेमेशन लगा हुआ, डॉट वाजी ना? नहीं डॉट नहीं है ना, मतलब कि रेफरेंस जो मैनुअल देते हैं हम, कि मैनुअल हमने इसको लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, तो यही होता है ना सर। अच्छा अच्छा ये चीज दिया आपने, ठीक 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 लेकिन ये कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, सीट वन एंड सीट वन डॉट रेंज डॉट पिवट टेबल कैंडिडेट डॉट एड्रेस, ये सही तो दोनों कंबाइन होकर बन रहा है।
सीट इसमें आते हैं ऊपर में, लेकिन इसमें इस तरह से देने की जरूरत पड़ती नहीं है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। ओके, मैं यहाँ पे इसको अटक क्यों रहा है, कल भी तो मैं इस पे काम किया था, फटाक से हो गया था। ओके, सीट फोर कर देता हूँ मैं इसको। ये वर्क कर गया, गुड। अब मैं एक एक करके ऑटोमेशन करता हूं। सीट्स मतलब इसी में नो सेल्स वी फाउंड रेंज 1. सीट 1, ओके सीट 1 सेल 1 करंट इज नॉट फाउंड। अरे दूसरा तरीका दिमाग में आ रहा है हमारे पास। दूसरा तरीका है हमारे पास, रेफरेंस इज नॉट वैलिड, और मैं यहां पे A1 से 1783 कर देता हूँ, M1783 तो लगता है। तो लग रहा है अभी। अब दूसरा तरीका है, यहाँ पे ये सही हो गया। अब ये जो रेफरेंस आपको दिख रहा है ना सर, ये रेफरेंस आपको ये ले लिया है, मतलब सीट किसी और सीट पे जाके रेफरेंस फॉर्मेट सही है इसका। अब इसमें मैं एक काम करता हूं, A1 dot current रीजन, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो जाएगा। हाँ, रेंज A1 यहाँ से A1 डॉट रीजन डॉट एड्रेस और इसके आगे सीट का नाम दे देता हूँ। है पिवट, चलिए अब यहां इसको चेंज करता हूं। सीट 4 है ना यहाँ पे, तो इस पे अब मैं देता हूं सीट्स पी डॉट रेंज A1 और इसका नाम पी कर देता हूं।
हाँ यहाँ एरर दिया, यहाँ एरर देने का कारण यह है कि मुझे यहाँ पे पिवट लग तो गया लेकिन एरर दिया। ये हाँ इस सीट फोर डॉट सेलेक्ट है ना, यही एरर आता है। लग गया, चलिए ऑटोमेट हो गया सर हमारा। अब इसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं, हमारे इस मैक्रो में इसके जगह पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें इस पी को चेंज करना है और पी के जगह पे देना है आइटम, और यहाँ पिवट टेबल नेम के जगह पे देना है आइटम। अब हो जाना चाहिए। लग रहा है पिवट सर। मैं एक बार फाइल ओपन करके देखता हूँ। लगा हुआ है लेकिन इसमें ये पूरा नहीं लगाया है इसने, कुछ गलत है सर। हाँ इसने पूरा क्यों नहीं लगाया, एक मिनट चलिए देखते हैं सर। यहीं पे दिक्कत आ गया ना, यहाँ पे पिवट टेबल आइटम जोन एक्टिव सी डॉट पिवट टेबल आइटम पिवट टेबल जोन, ये लग गया, जोन तो लग गया लेकिन क्यों क्यों नहीं लगा। ओके तरीके, हमें हर जगह आइटम करना था ना। सारी जगह चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो बोला आइटम ले लिया, बाकी क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि तो हमें हर जगह पे आइटम करना पड़ेगा। आइटम आइटम, और जहाँ कैटेगरी यहाँ पिवट टेबल वन है, यहाँ भी हमारा आइटम होगा और यहाँ भी हमारा आइटम होगा। ठीक है सर, चलिए अब एक बार और दोबारा रन करके देखें सर। ठीक है सर, फिल्टर भी लगा हुआ। अब इसमें एक और है कि ये आप देख रहे हैं ना कि ये तो पिवट में आया ना सर, मुझे इसको नॉर्मल डेटा बना देना है, नॉर्मल डेटा बना देना। ठीक है, पहली प्रॉब्लम कि कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करके नॉर्मल डेटा, ताकि मैं उस पर आगे फॉर्मेटिंग कर सकूं ना सर। तो समझा। यहाँ मूव से पहले, आइटम डॉट मूव से पहले हमें दिखना पड़ेगा सेल्स डॉट कॉपी। ठीक है, और सेल्स फिर यहां पे लिखना होगा रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल वैल्यू वैल्यू, पेस्ट वैल्यू कर दिया। अब दूसरा इसमें कोड ही डालना है, जैसे आप देखा कि आपको, आप मुझे रन करने से पहले ये माइक्रो ये हटाने पड़ेंगे फाइल, दिख रहा है सर। मैंने नहीं, मुझे मैं ना हटाऊ, ऑटोमेटिक पहले डिलीट कर दे फिर नया फाइल बनाया। तो फाइल डिलीट तो करने हम का लोग कोड क्या फाइल होता है सर? डॉट किल होता है, किल डॉट फाइल होता है, आई थिंक। नहीं किल नहीं, डॉट नहीं होता है, आइटम डॉट मूव है ना सर।
तो मूव से पहले ही मुझे यहां पे करना पड़ेगा किल, ठीक है? अच्छा सिर्फ किल, नहीं किल और फिर फाइल नेम पाथ पूरा का पूरा। हाँ हाँ फाइल डॉट किल मतलब किल और फिर फाइल का पाथ, ओके ठीक है, तो फाइल को किल कर देगा। आप देखिए मैं यहाँ पे इसको नहीं हटा रहा हूँ और फिर इसको हम रन कर रहे हैं। आप बोले सर फाइल नहीं हुआ तो एरर देगा, और एरर को हटाने के लिए ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट तुमने लगा ही रखा है क्या? सही बात। देखिए ठीक है, नॉर्मल डेटा हो गया। अब अब उसकी जैसे बाकी फॉर्मेट बाकी बाउंड्री बनानी होगी, चार्ट वार्ट लगाना है कुछ लगाना है वो तो आप जानते ही, उतना कर ही लेंगे आप, ठीक है? ठीक तो पिवट टेबल ऑटोमेशन में और कुछ सीखना है आपको? और क्या है मुझे पता भी नहीं क्या सीखते हैं इसमें। नहीं, आपने पिवट लगाना सीख लिया ना सर? हाँ पिवट लगाना सीख लिया, पिवट लगाना सीख लिया, और हमने एक प्रोजेक्ट भी आपको सामने सामने कर दिया कि बहुत सारे पिवट को कैसे अलग अलग करेंगे, एक पूरा अलग फाइल में सेव करना। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट जब आएगी तो आपको पिवट लगाना आता ही है, पिवट पे चेंज जैसे करना आपको जैसे आता ही है, कोड भूल जाओगे तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड की फैसिलिटी आपके पास है ही, यस यस ठीक है? ये सर फाइल भेज दीजिए सर। हाँ ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, और कल क्लास लेना है ना? हाँ सर लेना।